अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त ठीक ठाक और खैर से होंगे। दोस्तों आज जो है बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, तो वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को एंड तक देखें। तो दोस्तों ज़्यादा कस्टमर का डिमांड ये था कि यूसुफ भाई आप जो है चूल्हे जापानी चूल्हे किस तरह साफ़ होते हैं उस पर के ऊपर एक वीडियो बना दें। तो इंशाल्लाह आज ही इसी वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह हमारे साथ आते हैं, किस तरह पैकिंग में होते हैं और जो है किस तरह हम खोलते हैं, किस तरह सफाई करते हैं। तो ये सब जो है डिटेल इस वीडियो में हम आपको देंगे। तो दोस्तों वीडियो को स्किप नहीं करिए, वीडियो को एंड तक देखना है क्योंकि आपको अंदाज़ा लग जाएगा जापानी स्टोर किस तरह साफ़ होते हैं। इसके अलावा हमारे साथ जापानी स्टोर भी मिलते हैं, डिलीवरी का सिस्टम भी अवेलेबल है। तो चलो दोस्तों आपका सफाई का तरीका बता देते हैं। तो दोस्तों जिस तरह हमने बताया कि आपको पैकिंग दिखाएंगे पूरा जो है किस तरह पैकिंग में ये हमारे साथ आते ही ऊपर पड़े। इसके बाद जो है ये पैकिंग से जब हम खोलते हैं तो फिर इस तरह रूल में पैक होते हैं, फॉर्म में पैक होते हैं, ठीक है दोस्तों, ये चेक करा सकते। फिर इसे भी हम खोलते सफाई के लिए, ठीक है। ये देखें ये भी गंदा है, अभी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह सफाई हम इसका करें। तो दोस्तों जिस तरह ये देख सकते हैं इसे हमने सारा ट्रे निकाल लिया है, बर्नर वगैरह, सोडा कास्टिक लगाए। सोडा कास्टिक हर हार्डवेयर की शॉप में मिल सकते हैं आपको। इसका के ऊपर जो नॉन स्टिक टॉप होते हैं इसको हम पहले सोडा कास्टिक देते, फिर जो है इधर नट होते, इधर होते, इधर होते, ठीक है। और दो नट इस साइड पर होता है और दो नट इस साइड पर होते हैं, ठीक है। ये जो आपने सारा नट खोल के फिर ये टॉप इस तरह हटाना, आपने सोडा कास्टिक किस जगह को देने, ये भी आपको मैं समझाता हूँ। सोडा कास्टिक आपने जो है इस एरिया को देना है, इस एरिया को देने, इस एरिया को देने। सोडा कास्टिक आपने फ्रंट पर नहीं लगाना क्योंकि फ्रंट जो है रंग वाले होते, फिर जो है फ्रंट से कलर जाते। तो इस एरिया पर सोडा कास्टिक लगा के एक घंटा छोड़ के फिर उसके बाद जो है आप दोबारा उठा के साफ कर सकते। इस तरह सब झूले हमारे साथ यूज में आते हैं, ये चेक करा सकती है। दूसरा है ये जो है सारा भी साफ़ हो गया इसके बाद, ठीक है। वो भी उसका क्लिप भी हम आपको दिखाएंगे कि साफ़ होगा, इसके बाद हम आपके सामने फिट करेंगे, चीज़ दिखाएंगे। तो दोस्तों इस ब्रश के मदद से हम ये साफ़ करते हैं। ये स्टील ब्रश है, आप स्टील ब्रश अगर आपके साथ घर में ना हो तो आप स्टील छोड़े से हेल्प ले सकते हैं, बिल्कुल बेहतरीन है। आपने करना क्या कि इस जगह को दिया तो बड़ा ब्रश अगर इसमें नहीं जाएगा तो ये छोटा ब्रश आपने लेना होगा, इधर जो है सेंसर की सफाई करनी होगी। इस तरह सिस्टम है इसमें, ठीक है, सारा सफाई करके। और ये फुल वॉशेबल है, बस कस्टमर कहते कि इसमें ये इतना वेयरेंगे तो ये तो ख़राब होगा, ये ख़राब नहीं होता है, ठीक है। ये जो है फुल वॉशेबल है, जब वॉश करते हो आप उसके बाद जो है आपने एक घंटा सूरज पे रखना है कि खुश्क हो जाए, फिर जो है आप लगा सकते हैं। दोस्तों सफाई के बाद जो है हमने सूरज में रखे तो वो खुश्क हो चुका है, तो हम आपको सामने भी फिट करेंगे। ये देखो दोस्तों माशाल्लाह कितना खूबसूरत सफाई हुआ है इसका। ये जो गए ये थोड़ा देखे, ये थोड़ा जो है ब्लैक हो चुका है लेकिन ये मसला नहीं करता, ठीक है। ये जो है सफाई के साथ, ये थोड़ा कास्टिक के साथ होते, अगर ये साइड भी चेक कर, ये भी चेक कर सकते। और ओवन देखे, ओवन कितना माशाल्लाह साफ़ सुथरा निकल, अच्छे से देखे, बिल्कुल बेहतरीन। और ये जो है अभी मैं टेस्ट करके भी दिखाऊंगा क्योंकि कस्टमर को अंदाज़ा लग जाए कि ये वॉशेबल है, ये जो है पानी धोने से जो है ये ख़राब नहीं होते। ये देखे ये सब इसका सामान है, ठीक है, ये जितना देख सकते। हम आपको पूरा तरीकाकार बताएंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, ये टॉप है, ठीक है, ये टॉप लेने, फिटिंग का तरीका भी बता रहा हूँ और जो है दोबारा खोलने का तरीका जिस तरह मैंने बताया भी लेकिन फिर भी आपको समझा दूँ। इस तरह रख लिया टॉप आपने, ठीक है, खुद ब खुद टॉप अपनी जगह पर चला जाते, ठीक है। एक नट ये है जिस तरह मैंने बताया, एक नट ये है, एक ये है, एक ये है, एक इस साइड पर है नट और एक इस साइड पर है नट और दो इस साइड पर है, ठीक है। तो इस तरह आपने जो है फिट भी करना है और जो है खोल भी सकते इस तरह, ठीक है, सिंपल तरीका का है। अभी जो है इसके ऊपर मैं नट लगाता हूँ, ठीक है, ये मैं नट लगाता हूँ, आपको खुद भी अंदाजा हो जाता है, तीन नट में इधर लगाता हूँ, फिर जो है टॉप फिक्स हो जाएगा, फिर से हटेगा, अगर नट खोलोगे तो फिर सही टॉप हटेगा, बिल्कुल बेहतरीन इसी तरीके से, ठीक है दोस्तों, ये चेक करा सकते हैं। ये दोस्तों तो सारा नट जो है फिट हो गया, ये चेक करा सकते हैं, ये लास्ट नट बाकी है
नट भर लगता है, ठीक है, नट सब कुछ लग जाए, ठीक है। ये जो है हम बेचने के लिए तैयार करते हैं। आप जो है घर में इजीली सफाई, इस तरह सफाई मैंने दिखाया आपको कि वो जो है बिल्कुल फ्रेश ब्रांड न्यू बन जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये इसका बर्नर है, बर्नर, ठीक है, ये बर्नर इस तरह आपने रखना होगा, ठीक है। बर्नर रखने के बाद ये चेक करें, ये जो है ओवन का जो एग्जॉस्ट सिस्टम है, इधर ये जाली है उसका, ठीक है, ये इधर रख दिया मैंने। ये रिंग है, रिंग जो पेंस कहते हैं हम इसको, ठीक है, ये अपनी जगह पर रखते हैं, ठीक है। सिंपल तरीका का, ये ओवन और ट्रे आखिरी बच गए। ये ओवन ट्रे भी इसका इजी है, ये देखें, ये पहले से हटा हो गया, अगर गेट आपने इसमें लगाना है, ठीक है। ये देख, ये गेट आप किस तरह लगाओगे, पहला ये गेट इस तरह करोगे, ये चीज़ नहीं है, ये इस तरह पकड़ो थोड़ा, ये देखे, ये इस तरह जाएगा, और फिर दोबारा सीधा करोगे तो इस तरह हो जाएगा। अगर आपने खोलना है, ये देखे, ये जो है थोड़ा पुश करोगे तो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद खुल जाते, वापस जो है इस तरह पुश करोगे तो लॉक हो जाते। इसके ऊपर आप जो है अपनी जगह पर जाल रख सकते, ओवन में लगाने तो थोड़ा इस तरह करना है, ठीक है, फिर नीचे करो, और ये जो है चूल्हा तैयार हो चुका है। तो दोस्तों अभी हम आपको डेमो देंगे इसका जो है, ये देखिए, सबसे पहले आपने दो सिल लगाना होगा डी साइज इधर, ठीक है, ये चेक कर सकते हैं, ये देखिए, ये जो है पुश करना है, जब गैस में आने का तो गैस जब पहुंच जाते डायरेक्टली ऑन हो जाती है, ये देखिए, ये फिर रेड फ्लेम घर गैस में नहीं होगा, बिल्कुल बेहतरीन। ये ला के इसमें, ये देखिए, ये भी लग गए, इस तरह से कम ज़्यादा कर सकते, ठीक है, इधर से ऑफ कर सकते, ऑन ऑफ। ये देखिए दोस्तों, ये वॉश से जो है ख़राब नहीं होता, दोबारा से सूरज में रखे तो वॉश हो जाते ऑटोमेटिकली, फुल पर ऑन ऑफ कर सकते। ये तो हमने सिर्फ आपको इस तरह दिखाया, अगर आप कहना चाहते कि थोड़ा और भी खूबसूरत लगे मेरा चूल्हा, तो हम तो सफाई के लिए जो है इधर शॉप में जो है इस पर जो है ये डीजल मारते, ये जो है इसके साथ जो है साफ करते, इसके साथ और भी थोड़ा चमकता है, ये सब मैं आपको बताता हूँ। ये जो हमारा चूल्हे सर साफ साफ चमकते, ये इसी वजह से चमकते है, ठीक है दोस्तों। इस पर अभी जो मैं कपड़ा मारूँ तो आपको खुद ही अंदाजा हो जाता है कि ये कितना खूबसूरत बन जाते हैं। ये देखिए भी इसका टॉप चेक करें, वो खूबसूरत शाइन टॉप बन जाते हैं इसका, बिल्कुल बेस्ट। अगर ईद आने वाला है, ठीक है, बड़ा ईद, तो आप जो है इस तरह अपने चूल्हे को साफ कर सकते हैं, बिल्कुल जो है। ज़्यादा कस्टमर मैसेज करता था कि यूसुफ भाई काइंडली जो है आप वीडियो बना दें सफाई पे, ये देख कितना साफ सुथरा निकला दोस्तों। ये चेक करा सके कैमरामैन साहब, थोड़ा ऊपर से दिखा दूँ व्यूअर्स को, क्या अंदाज़ा लग जाए व्यूअर्स को, तो बिल्कुल साफ सुथरा निकल जाते हैं, और विद इन 5 मिनट में जो है आपका चूल्हा बिल्कुल नया जैसा बन जाता है, बिल्कुल ये बेहतरीन और खूबसूरत फंक्शन भी है जापानी चूल्हों में। अगर किसी को चाहिए तो ऑनलाइन डिलीवरी भी हमारे अवेलेबल है, डिलीवर भी हो सकते हैं। मैंने आज ही सफाई का तरीका भी आपको बताया, पूरा डिटेल भी बताया। अगर और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उधर जो है न्यू नोटिफिकेशन डेली आपको आएगा, उस से आपको और इन्फॉर्मेशन भी हासिल होगा। तो इस तरह हमारे साथ 3 बर्नर वाला भी अवेलेबल है, जो आप देख सकते हैं। अगर किसी को 3 बर्नर वाला चाहिए जो शेल्फ में फिक्स लगते, अगर 2 बर्नर चाहिए 2 बर्नर भी मिल सकते हैं उसको, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब ये थी हमारी आज की वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।